स्टैंडर्ड 7th है, सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर 6 है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अभी ये आपका न्यू चैप्टर है आज, पहले इसको एक्सप्लेन करवाऊंगी, फिर इसके जो एक्टिविटी है वो करवाऊंगी, ठीक है। नंबर आज अभी ठीक, पहले चैप्टर एक्सप्लेन करवा देती हूँ। सम चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स आर फिजिकल चेंजेस एंड सम आर केमिकल चेंजेस। और फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं? अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, डिमेंशंस, कलर और स्टेट, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल, टू कट अ पेपर इन टू पीस टू प्रिपेयर आइस फ्रॉम वॉटर आर द फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इन कॉल्ड अ केमिकल चेंज। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन of magnesium, rusting of iron are the chemical changes. Photosynthesis process in plants, digestion of food in our body. Cellular respiration to produce energy from glucose, spoiling of fruits and vegetables. Are chemical reactions occurring due to chemical changes? Chemical changes are very important in our leaves. Useful new materials are produced by chemical reaction. Example, extraction of metals from their ore is carried out by a series of chemical reactions. A medicine is the end product of a chain of chemical reactions. Useful substances such as plastics and detergents are produced by chemical reactions. Along with chemical change, some additional phenomenon may occur. Example, number one, heat, light, electricity or other radiation may be given off or observed. Number two, sound may be produced. Number three, a change in color or smell may take place. Number four, a gas may be formed, etc. Iron is used in construction of bridges, ships, vehicles and household goods. Iron gets rust due to atmospheric moisture and there is a great monetary loss to us. So attempts are made to prevent rusting. Rusting can be prevented by applying a coat of paint or grease by depositing a thin layer of metal like chromium or zinc or nickel. Large crystals of pure substance can be formed from their concentrated solution. This process is called crystallization. Crystallization is a physical change. Vitriol, alum, common salt can be obtained by this method. We next, aapka classify the changes involved in the
dissolving of sugar in water. Number 3, burning of coal. Number 4, melting of wax. Number 5, beating aluminium to make aluminium foil. Number 6, digestion of food. तो इसका आंसर आएगा फिजिकल चेंज, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये क्या है फिजिकल चेंज में आएगा, और बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल. अभी केमिकल चेंज, फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ कोल, डाइजेशन ऑफ फूड. नेक्स्ट है टू फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू एंड टू फॉल्स इज फॉल्स. नंबर 1, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज, तो फॉल्स आएगा. नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, फॉल्स. नंबर 3, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक टू नॉट गेट रस्टेड इजीली, तो आंसर आएगा ट्रू. नंबर 4, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस, तो आंसर आएगा फॉल्स. नंबर 5, कंडीशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, आंसर आएगा ट्रू. ये क्या हो गया आपका, ट्रू फॉल्स हो गया. नेक्स्ट है जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 5 है वो करवा देती हूँ, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं बाद में आपको करवाऊँगी. क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इन टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो आंसर आएगा कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट नंबर 2 है, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज ब्लैंक, तो क्या आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ब्लैंक में क्या लिखना है, फर्स्ट में आएगा कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड में आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. नेक्स्ट नंबर 3, टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंट आर ब्लैंक एंड ब्लैंक, तो क्या आएगा फर्स्ट में अप्लाइंग द कलर एंड सेकेंड में आएगा गैल्वेनाइजेशन. नंबर 4, चेंजेस इन विच ओनली ब्लैंक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, तो चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल आएगा, चेंजेस इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. नंबर 5, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, तो ब्लैंक में लिखना है केमिकल. चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, क्या हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ले लेती हूँ, इसके बाद आपका वीडियो कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगी. व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म विद द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, एक्सप्लेन, तो आंसर आएगा व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विद लेमन जूस बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर प्रोड्यूस अलोंग विद अदर न्यू सब्सटेंस, सो दिस इज केमिकल चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस आइडेंटिफाई दिस चेंजेस गिव अनदर एग्जांपल ऑफ अ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस, तो आंसर आएगा व्हेन अ कैंडल बर्न्स फर्स्ट ऑफ ऑल द वैक्स मेल्ट्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज द फिजिकल चेंज, द मेल्टेड वैक्स बर्न्स बाय रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस, दिस इज द केमिकल चेंज, दस टू चेंजेस आर फाउंड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द कैंडल. Another example is the heating of sulfur. When sulfur is heated, first all of it melts to form liquid sulfur. This is the physical change. On heating liquid sulfur further, it gets converted into gases, form and burns to form sulfur dioxide. This is chemical changes. So, क्या बोलेंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर 6 करवा देती हूँ. हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग अ
कर्ड इज अ केमिकल चेंज. आंसर आएगा कर्ड इज फॉर्म फॉर्म फ्रॉम द मिल्क बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. मिल्क एंड कर्ड हैव डिफरेंट स्मेल टेस्ट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सो सेटिंग ऑफ कर्ड इज केमिकल चेंज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. ये लास्ट क्वेश्चन है. When wood burns, the chemical reaction takes place and ash and carbon dioxide of new properties are formed. So it is a chemical change. When wood is cut into small pieces, its shape and volume change. But the smallest piece of wood is at last wood. So it is a physical change. Thus, burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन जो इनकम्प्लीट क्वेश्चन आंसर वो कराऊंगी आपको क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क की बुक में लिखना है और इसे लर्न भी करना है. थैंक यू.